जॉइनिंग ये हमें कब मिलेगा? BRMGSS के जो भी मजदूर मुझे कॉल करते हैं, सबसे ट्रेंडिंग सवाल यही है, और मैं इस वीडियो में कुछ हद तक जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि BRMGSS के माध्यम से रेलवे का जो मजदूर यूनियन की संघर्ष होती आ रही है उसके माध्यम से मजदूरों का जॉब या ज्वाइनिंग लेटर या नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से स्किप किए बिना देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इस BRMGSS के माध्यम से गोदामों में जो जॉब मिलने की संभावना अभी जगी है वह कब तक मिल सकता है। अगर इस वीडियो में किसी तरह का मैंने जवाब गलत दिया हो तो मैं सभी मजदूर भाइयों से क्षमा चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वे अपनी आशा को खोए बिना उस लक्ष्य की ओर दौड़ते रहें जो कि हमें कब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और कब हमारे खाते में 1,20,000 रुपये तनख्वाह हर महीना आएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं एक हमारे मित्र बंधु हमारे मजदूर भाई ने फ़ोन के माध्यम से सवाल पूछा, उसका जवाब मैं किस रूप में दिया आगे देखें। जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से उम्मीद लेके। अच्छा, वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल से, हाँ, वेस्ट बंगाल से। क्या नाम हुआ आपका? बुद्धदेव। अच्छा, तो देखिए मैं तो न्यूज में डालता रहता हूँ कि ज्वाइनिंग के विषय में, जैसा ज्वाइनिंग होता है ना, हम लोग एग्जाम देके ज्वाइनिंग जैसा लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का सरकारी एग्जाम दिए हम लोग, SSC का एग्जाम दिए, रेलवे का एग्जाम दिए, BPSC का एग्जाम दिए, वैसा ज्वाइनिंग इसमें नहीं होगा, समझ रहे हैं? इसका ज्वाइनिंग एक अलग तरीका से होगा, और अभी जो डाटा जमा किया जा रहा है ये एक तरह से ज्वाइनिंग प्रोसेस ही हो गया, समझ रहे बात को? अभी हम लोग का ज्वाइनिंग दो जगह से होगा, एक तो कौन सा एक तो श्रम मंत्रालय से होगा और दूसरा होगा रेलवे मंत्रालय। अच्छा, ठीक है, या तो रेलवे बोर्ड समझिए या श्रम का मंत्रालय से, दोनों दो विभाग से होगा। दोनों अभी जो हम लोगों का जो डाटा QR कार्ड श्रम कार्ड का लिंक होने का बात हो रहा है या प्रोफाइल जमा करने डाटा को जमा करने का बात हो रहा है, ये पहला ज्वाइनिंग हुआ, ठीक है। लिंक तो अभी तक नहीं हुआ, वो हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करिए। अभी तक हुआ नहीं, प्रोफाइल एक्टिव नहीं हुआ, मेरे लीडर को बोल रहा है कि डाटा जमा करने के बाद वो सब कुछ हो जाएगा। हाँ। तो नवंबर में बोला है अमित शाह जी के साथ, 12 तारीख अक्टूबर 12 तारीख में मीटिंग था, वो तो कहे नहीं हुआ, वो बोल रहा है कि नहीं, उनसे मुलाकात हो चुका है, वो टाइम दिए है क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी का डेथ हो गया था, डेथ हो गया, हाँ, जिसकी वजह से सब बिजी हो गए थे, लेकिन अब तो फ्री है ना, ये छठ के बाद फ्री हो जाएंगे, तो फ्री होने के बाद उनका उनको आमंत्रण उसी समय दे दिया गया कि महापंचायत का एक आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें सरकार की तरफ से आना पड़ेगा, तो वो सरकार आएगी, सरकार में बहुत सरकार में श्रम मंत्रालय भी आएगी, रेलवे मंत्रालय भी आएगी, दो विभाग ये हो गया, दो मंत्रालय ये हो गया, तीसरा मंत्रालय हो गया गृह मंत्रालय, जिसका जिसका मंत्री है अमित शाह, तो अमित शाह जी का बात को कोई नहीं काटता है, ना प्रधानमंत्री काट सकते हैं, ना रेलवे मंत्री, ना क्या कहते हैं श्रम मंत्री काट सकते हैं, इसलिए उनको अमित शाह जी के साथ बात हो गया, हाँ, हो गया है, उनसे बात कैसे नहीं होगा, हो गया है, जो इंट्रोडक्शन हो गया है, बस हो गया, क्या बात करना है उसको, उसको खाली आमंत्रण देना है यार, पता तो उनको पता तो है ही है कि श्रम मंत्रालय में क्या हो रहा है, श्रमिकों के लिए क्या हो रहा है, उनको पता होना चाहिए, मिनिस्टर है तो पता होना चाहिए। तो जो 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 हुआ 2014 से लेके अभी तक, क्योंकि सरकार हम लोग बनाए हैं, है ना, 2014 से 2022 तक हम ही लोग ना वोट दिए हैं, हम ही लोग श्रमिक यूनियन का रोल बहुत अहम रोल है BJP को सरकार बनाने में, तो मजदूरों के लिए अब तक उन्होंने क्या किया उसका पूरा बायोडाटा देंगे वहाँ महापंचायत में, और हो सकता है कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दे देंगे, क्योंकि 10 लाख मजदूरों का बात कर रहे हैं, तो 10 लाख मजदूरों में से 75,000 तो दे दिया गया, तो 10 लाख में से हम लोग को कुछ कुछ मजदूरों को उसी 10 लाख में से
हिस्सेदारी देके हम लोग को भी दे दिया जाए। वो पहुंचाते राजा देगा, वो तो रोजगार मेला से वो अलग अलग ये तो अलग कोई ये माने की बोले अलग नहीं हम लोग का हम लोग का जो नियुक्ति है ना उस रूप में नहीं होगा जो लोग एग्जाम देके जा रहे हैं। अभी 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 मैं एक बंदा को बता रहा था वेस्ट बंगाल का, उस रूप में नहीं है क्योंकि हम लोग 1,20,000 रुपया वेतन का बात किए हैं सरकार से और उसको मान भी गई है। 1,20,000 रुपया से नीचे लेना कुछ लोग हम लोग मजदूर लोग नहीं समझते हैं बात को। तो 1,20,000 रुपया हम लोग को क्यों मिलना चाहिए? तो हम लोग क्योंकि 70% फायदा हम लोग रेलवे को देते हैं तो 70% में से 30% फायदा हम लोग को दे डायरेक्ट दे उसमें कोई तो 30% लगभग भी देगा तो हम लोग को 1,20,000 वेतन मिलेगा। तो मेला लगा के देगा तो उसमें ये लोग बड़ी चालाकी कर सकता है सरकार से, ठीक है चालाकी ये करेगा कि आपको 30,000 में न्यूनतम वेतन 30,000 होगा ऐसे करके तमाशा करेगा। तो सरकार लोग चालाक होता है ना, तो चतुराई से मजदूरों का दमन करने दमन तो हो ही रहा है जब से रेलवे बना है। देखिए रेलवे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और जब से अंग्रेज लोग भारत सरकार को सौंपा है और भारत सरकार जब से लिया है तब से लेके अब तक अन्याय पर अन्याय मजदूरों के साथ हो रहा है, बहुत अन्याय है। तो 1952 का बात है, 1952 में दिया गया था आजादी के ठीक 4-5 साल के बाद। अच्छा हाँ, मतलब हम लोग रिपब्लिक बने थे, गणतंत्र बना था 1950 में 26 जनवरी। सैलरी मीटिंग अभी तक नहीं हुआ तो सैलरी मीटिंग फाइनल है, यही है 1,20,000। हाँ उसको कहेगा हम लोग नहीं इतना नहीं दे सकेंगे, सरकार लोग ये बोल सकता है। तो हम लोग को भी अड़े रहना है, क्यों हम लोग को 1,20,000 रुपया देना चाहिए? अब मान लीजिए कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उसका उम्र केवल 2 ही साल बाकी रह गया, 1998 से लड़ रहा है, या, तो दो ही साल काम करेगा 20,000 रुपया में तनखा में, मानेगा ही नहीं। तो हम लोग को हमारे बूढ़े बुजुर्ग मजदूरों का आदर करते हुए 1,20,000 रुपया से कम नहीं लेना। तो ये है और लोगों को समझाइए, देखिए हम लोग मजदूर भाई लोग नहीं समझते हैं क्यों हम लोग 1,20,000 रुपया का डिमांड कर रहे हैं, इसको समझना होगा। ठीक है समझना क्या सीधा सी फंडा है कि हम लोग एक तरह से मजदूर भाई लोग गाय है, दूध देने वाला गाय है, रेलवे को दूध देता है, कई लीटर दूध देता है। और भारत में गाय का पूजा होता है और दूध देने वाला गाय को खाना अच्छा से खिलाना चाहिए, लेकिन जब से रेलवे बना है दूध देने वाला गाय को जितनी भी सरकारें आई चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे और भी सरकारें हो सब ने इस गाय को अच्छा भोजन नहीं दिया, दूध लेता रहा निकालता रहा लेकिन भोजन नहीं दिया। और भोजन नहीं दिया उसका उसी का तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छा भोजन दीजिए क्योंकि हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, अच्छा भोजन दीजिए ताकि हम लोग तंदुरुस्त रहे। उम्र भी कट रहा है तो उम्र भी कट रहा है और नए जवान लोग भी इसमें जुड़ते जल चले जा रहे हैं है ना, BRMG से नए लोग भी आ रहे हैं तो नए लोग तो कहते हैं 1,000 में चलेगा लेकिन बुजुर्ग लोग नहीं माने। बहुत लोग तो डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में जाना है और थोड़ा सा हिम्मत बांधना है। और बहुत न्यूज कैनी न्यूज वाला जो न्यूज चैनल है वो तो डिमोटिवेट होता है, बहुत देखना बंद करेंगे सब लोग। मैं मनोरंजन जी को उसके बारे में सूचना दे दिया हूँ, परसों मुझे कॉल किए थे और वो बोले कि आप आइए और वैसे चैनल के विषय में कुछ कुछ मतलब और भी मैं रास्ता बताऊंगा कि वैसे चैनल कोई भी किसी भी संगठन के बारे में गलत अफवाह नहीं फैला सकता है, ये नियम है ठीक है कानूनी नियम है क्योंकि ये मेरा और आपका लड़ाई है, जेनी न्यूज का लड़ाई नहीं है या अरुण कुमार जी का अकेला लड़ाई नहीं है, मनोरंजन जी का अकेला लड़ाई नहीं है, ये मेरा आपका और जितने 12 लाख मजदूर हैं सबका लड़ाई है, एक साथ हम लोग को लड़ना है। और उसके बीच में कोई राहुल गांधी जी भी बोलेंगे तो हमको हम लोग या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलेंगे तो हम उनके उनके खिलाफ ही ना जाएंगे, गलत गलत बात अगर BRMGS के बारे में बोलेंगे तो हम लोग खिलाफ में जाएंगे, नेचुरल है वो क्योंकि हम लोग कुछ मांग कर रहे हैं उसको जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो हम लोग को अड़े रहना है। तो जी नवंबर में महापंचायत होगा, हाँ नवंबर में होने का पूरा कहा गया था, छठ के बाद मैं मैसेज भेजा था तो ठीक है, मैं उसका वीडियो हल्का सा नहीं बना पाया, वो लिखित रूप में मुझे भेजा गया था डॉक्टर रमन के द्वारा। डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ, हाँ फिक्स नहीं हुआ क्योंकि हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, अरुण कुमार जी फिक्स नहीं कर सकते हैं, मनोरंजन जी भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, फिक्स करना है गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय डेट देगा कि इतना तारीख को आप लोग ऑर्गेनाइज करिए हम लोग आ रहे हैं ठीक है।
हाँ तो उनके हिसाब से अभी चलना पड़ेगा सरकार के हिसाब से। जी मैं उम्मीद है कि 2022 तक मनांदर और दिसंबर तक रजानी हो जाएगा सबका। हाँ क्योंकि हमारे अरुण कुमार जी का आप तो वक्तव्य सुने ही होंगे, अरुण कुमार पासवान है ना, 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 वो सुने बोले हैं कि 2023 हम लोग लगने नहीं देंगे। क्योंकि 2023 से तो बहुत सरकार नहीं करी आंदोलन के लिए भी तैयार रहना है। 2023 में तो बहुत स्टेट में वोट है, इलेक्शन है, चुनाव 24 में है, लेकिन जो उतना दूर तक नहीं जाना है, वो इलेक्शन का बहाना मिलेगा। सरकार कहेगा नहीं हम लोग अगला जीतेंगे ना, उसके बाद आपको 2022 के अंदर अगला इलेक्शन में घुस गया सरकार, तो इसका मतलब समझ जाइए कि अगला चुनाव में भी वो लोग चुनाव के जीतने के बाद भी नहीं देगा। ये बात को समझ जाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सरकार 2014 से लेकर अभी तक है 2022, कितना बार दिए हम लोग मौका हम ही लोग ना दे रहे हैं, मजदूर यूनियन ही लोग ही ना दे रहे हैं या किसान संगठन ही ना दे रहा है, इसको जगह दे रहा है। और अगर इसी तरह बहानेबाजी करके जुमलाबाजी कर करके हर इलेक्शन में जीत जाएगा और कुछ काम नहीं करेगा तो फिर हम लोग का सरकार सरकार नहीं है, वो सब झूठे झूठ झूठ मूठ का सरकार जैसा लगता है। इसलिए इलेक्शन से पहले ही निर्णायक एकदम निर्णय ले लीजिए सरकार, होना चाहिए निर्णय ले ले, नहीं तो कुछ करना पड़ेगा सरकार पड़ेगा। नवंबर में करना क्या पड़ेगा, सब मजदूर भाई लोग आगे चाहेगा तो एक सप्ताह के लिए रेलवे में बोरा ढोना बंद कर दे, कुछ नहीं करना, सिंपल बोरा ढोना बंद कर दे। और नया अगर कोई जा रहा है मजदूर वहां काम करने के लिए, सबको डंडा लेके मारे। हर कोई दौरा होगा क्या, मतलब आसाम के बाद बंद हो गया, त्रिपुरा का बाकी उड़ीसा का और कोई होगा? सबका डाटा अब लगभग कंप्लीट हो रहा है, डोंट वरी, सबका डाटा हो जाएगा सब। देखिए मजदूर भाई लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, कैसे जल्दी जल्दी जमा करना है नहीं जानते हैं। ये लेकिन एक चीज हो सकता था, हर एक राज्य में ऑनलाइन आवेदन करने का सुविधा अगर हमारे मनोरंजन जी व्यवस्था कर देते और अरुण कुमार जी व्यवस्था कर देते, जैसे हम लोग का वेबसाइट है वहीं से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देता तो आज तक जल्दी हो जाता, क्योंकि आज का समय हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, मॉडर्न युग में, हाँ टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता, तो वो तो मैनुअली हो रहा है, मैनुअली तो बहुत टाइम लगेगा। लीडर लोगों ने भी किया ज्वाइन होगा बोला था 17 से लेकर 27 तक अक्टूबर, वो नहीं हो पाया अक्टूबर तक, मैं ही बोला था अक्टूबर तक हो जाएगा करके समझे, क्योंकि मैं लीडर से बात किया, डाटा केवल डाटा को जाके जमा करना था सरकार, क्योंकि सरकार एकदम तैयार थी, सरकार देने के लिए तैयार, क्योंकि फोर लेबर कोड भी आ गया देने के लिए तैयार। तो देखिए 3 महीना था उस समय, अक्टूबर के बाद 3 महीना बाकी था, 3 महीना के अंदर डाटा नहीं जमा हो सकता था आराम से। खुद अरुण कुमार पासवान सर जी ने अपना जन्मदिन पर बोला था कि हो जाएगा, तो नहीं हो पाया। अब जो भी हो, लेकिन किसी पर दोष नहीं मढ़ना है, अभी कुछ ना कुछ हम लोग का तरफ से भी भूल हो रहा है। दिसंबर तक फाइनल 2022 हम लोग कोशिश करना है दिसंबर तक फाइनल कर, ठीक है। यही बोला था सर जी, मैंने आपको पूछा बहुत दिनों से यूट्यूब देख रहा हूँ, तो बहुत उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ कि बहुत देरी माने लेट हो रहा है, इसलिए टेंशन हो रहा है। निराश नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, अभी कुछ कर रहे हैं तो उसको करते रहना। सर कुछ नहीं हो रहा मेरा, मैं तो वो पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ, बीएससी पास होते जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से, तो करने की उम्मीद लेके कुछ हो जाएगा, मतलब लाइफ होता होता तो चेंज हो जाएगा लाइफ का, क्योंकि वेस्ट बंगाल में तो बहुत हाल का है, कुछ गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सही बात है। फोर लेबर कोड लागू हो गया क्या? फोर लेबर कोड को अभी बोरा में रखा है, कहाँ लागू हुआ है? लागू नहीं हुआ, तो मैं तो वीडियो बनाया हूँ ना, बोरा में रख दिया है उस फोर लेबर कोड को, अभी लागू चालू नहीं, इन्फोर्समेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इन्फोर्समेंट में नहीं लाया है, लागू ही नहीं किया। तो लागू करने से पहले देखिए फोर लेबर कोड में भी बहुत सारा चीजों को संशोधन करके स्टेट को परमिशन देगा, तो सब स्टेट को। मैं सर जी मैं गुड से मैं लीडर हूँ, गुड से लीडर करेंगे, मेरा लीडर बोला था तो जमा दिया मैंने। अच्छा। बोला है कि वो नोटरी पे
सिग्नेचर नहीं हुआ बोल रहे बोल लेंगे नवम्बर तक सबको जब सब लिंक होगा सब कर देंगे बोला तो हाँ अब तक नहीं हुआ कब हुआ देखते हैं सर ठीक है तो उम्मीद रहता हूँ दिसंबर 2022 तक कुछ खुशखबरी होने वाला है एकदम एकदम चाहिए हम लोग सब यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जल्दी से जल्दी हो जाए भगवान से बहुत दिनों से मैंने सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हो जाए काम ये बात बहुत दिनों से ये हो रहा है महापंचायत होगा तो ऑब्वियसली जाऊंगा वहाँ पे जुड़ने का काम करूंगा। हाँ महापंचायत में सब लोग आइएगा शाम से एक लीडरशिप के अंदर में आइएगा और सबको पास मिलेगा किसी को टिकट नहीं काटना है ठीक है। अच्छा सुना है मैंने। हाँ तो पास के बिना मत आइएगा टीटी परेशान करेगा या रेलवे के लोग परेशान करेगा इसलिए पास जरूर लेके आइएगा बैनर बना के टांग दीजिएगा बाहर बोल ये नंबर चेक कर लीजिए क्या नाम हुआ अच्छा ठीक वो एक बात पूछना है आपसे वो बीआरएनजी वो कौन सा यूनियन है वो देख रहा हूँ कि अब वो हम लोग का संगठन से निकाला गया था परिमल कांति मंडल जी को उसका देखिए अभी भी कई लीडर हैं परिमल कांति जैसे नेचर रखने वाले कई लीडर हमारे संगठन में अभी भी है ठीक है। देखिए होता क्या है कोई भी संगठन में आप जब रहते हैं चाहे वो रतन टाटा का संगठन हो किसान संगठन हो या कोई भी संगठन हो उसके आप संगठन के नियम कायदे के अनुसार नहीं चलिएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा ये तो नेचुरल है। उसी तरह उसको निकाला गया था परिमल कांत मंडल जी को मैं उसका इज्जत करता हूँ ठीक है लेकिन फिर भी उसमें सुधार नहीं आया। देखिए और एक यूनियन हाँ कई यूनियन खड़ा होगा उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग BRMGSS के हैं संगठन के लोग हैं और यही सबसे अधिक मान्यता प्राप्त ऑटोनोमस बॉडी है और मजदूरों का जितना भी काम अभी तक जो हुआ है वो BRMGSS के माध्यम से हुआ है एकदम इसी मतलब ये मेरा और आपका आपकी वजह से हुआ है मेरी वजह से हुआ है ठीक है। इसमें केवल एक आदमी क्रेडिट नहीं ले सकता 12,000 जो मजदूर है सब की वजह से हुआ है। मैं तो बहुत दिनों से मैं टेंशन में हूँ वो यूनियन देख के मैंने फर्स्ट देख के कंफ्यूज हो गया यूनियन कब से कहाँ से आया। हाँ नहीं नहीं उस सब चीजों पर उन लोग को भी करने दीजिए जो कर रहा है करने दीजिए हम लोग मना नहीं करते। इकोनॉमी ट्रांसफर ऑफ इंडिया तो अरे वो देखिए उसको निकाला क्यों गया था इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो मजदूरों से बहुत पैसा लेता था ठीक है और वही हाँ मुझे मनोरंजन जी इस बात को सूचित किए थे पैसा लेने की वजह से उसको निकाला गया था उनका फोटो वगैरह मुझे भेजा गया था एक वीडियो भी मैंने बनाया है उसके विषय में मुझे भेजा गया था और लेकिन एक देखिए ठीक है बनाए ना कोई भी भारत का नागरिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है तो नहीं नहीं वैसा कोई काम नहीं करेगा नहीं वो बाधा काय करेगा वो भी चाहता है कि मजदूरों का हो जाए मुझे जहाँ तक समझ में आता है नहीं तो उसके लिए काम क्या रह जाएगा बताइए क्यों बनाएगा लेबर यूनियन का संगठन वो बनाया इसलिए है कि मजदूरों के लिए कुछ काम हो जाए। हाँ लेकिन मजदूरों के नाम से गलत काम नहीं होना चाहिए यही तो अलग का यूनियन बनाया ना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ इसलिए उनको भी हम लोग नेग्लेक्ट ना करें जितना भी मजदूर यूनियन है भारत में देख रहा हूँ कि वो स्टेट लेवल मंत्री के साथ साक्षात कर रहे हैं कि हाँ हाँ करने दीजिए नो प्रॉब्लम करने दीजिए उससे हम ही लोग को लाभ होगा घबराइए नहीं और भी दो तीन जैसे एक बात बोले जैसे मजदूर यूनियन तो एक नहीं ना है भारत में मजदूर संगठन एक नहीं है बहुत सारे हैं सीपीएम भी है सीपीएम भी मजदूरों के लिए ही काम करता है एक पॉलिटिकल पार्टी है सीपीएम अब वो भी जाके अगर मिनिस्टर लोग से मिलेगा और हम लोग के बारे में बात करेगा तो हम ही लोग को ना फायदा होगा करने दीजिए नो प्रॉब्लम उससे अच्छा फायदा ही होगा सबको फायदा होगा प्रतिनिधि बन के जाए मंत्रियों को मनाए जल्दी जल्दी काम कराए कहीं से भी हो लेकिन हो काम कुछ नहीं कर पाए मैं जाता हूँ हमारा काम हो जाए बात यही हम लोग को तो काम देना मतलब है फोन कर रहा है फोन कैसे कर रहा है वो सब नहीं देना है हम लोग को आम खाना है आम आम गुठली काम चाहिए हम लोग काम चाहिए कौन क्या कर रहा है वो बताओ
उसका मतलब नहीं है, ना हम लोगों को काम चाहिए, काम चाहिए। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आसाम को, आसाम से है ना? वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल। सबको मेरा साथी लोग को प्रणाम बोल दीजिएगा। मैं आपका नंबर वहाँ पंचायत होगा तो हुआ क्या हो जाए, मुलाकात हो जाए, एकदम मुलाकात होगी, जरूर जरूर। ठीक है सर जी, ओके सर, ओके, राम राम, राम राम। स्वागत है, सत श्री अकाल है, आदाब है, प्रणाम है, नमस्कार है, वणक्कम है, गुड मॉर्निंग है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस ओर उनका ध्यान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, धन्यवाद संजय जी। लोगों को नियुक्ति पत्र तक मिलेंगे तो ये भी एक बड़ा, ये एक नियुक्ति पत्र हमें भी आश्चर्य हुआ। आवाज मत तो नौकरी नहीं मिलेगा, आवाज तो नौकरी मिलेगा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड बी ब्लेस्ड एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप एंड शाइन मोर देन द सन दैट यू सी ऑन द स्काई। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।